के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत धोवाडांगा में दो दिवसीय फुटबॉल मैच आज से शुरू हुआ। झामुमो नेता सह उप मुखिया विकास कुमार साहा ने मैच की शुरुआत की। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। विकास कुमार साहा ने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ व विकसित ही नहीं जीवन में संघर्ष कर लक्ष्य की प्राप्ति करना सिखाता है। उन्होंने खेल को एकता का प्रतीक बताते हुए सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आयोजक कमेटी को इस तरह के आयोजन कराने के लिए बधाई दी ताकि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को और निखार सके। विकास साहा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेल को अपने करियर के रूप में चुने ताकि आगे चलकर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश, राज्य और अपने जिले का नाम रोशन कर सके। श्री साहा ने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ी तो वे अवश्य खड़े रहेंगे। फाइनल मैच गुरुवार को होगा। उन्होंने सिर्फ विजेता ही नहीं बल्कि पराजित टीमों को भी बेहतर पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेंगे। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।